साथ अंबाला की प्रथम महिला मेयर भी मैं मौजूद है। मैम क्या कहेंगी, आज मतदान का दिन है और क्या मुद्दे जहन में रखते हैं? देखिए, देश प्रथम है और आज बहुत बड़ा पर्व है और हम सबको यहाँ पर वोट करना चाहिए और हर एक नागरिक का फर्ज है कि अपने वोट का अधिकार वो जरूर अपनाए, एक एक जन घर से निकले वोट करे और एक सशक्त सरकार बनाए। और ये सशक्त सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में बन सकती है। मैं लोगों से क्या अपील करेंगी कि घरों से बाहर निकले, आज बड़ा दिन है संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने का। जी बिल्कुल, देखिए 5 साल के बाद ये दिन आता है और सबका ये फर्ज बनता है कि आप घर से निकलें और घर से निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आप कल को ये पछताएं नहीं कि आपकी एक वोट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया। तो देख सकते हैं आपकी तमाम सपरिवार जो है वो सांसद कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे वो पहुंचे हैं और स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि मुद्दा जो है वो विकास है। और ऐसे में लोगों से भी अपील उनकी ओर से की गई है कि आज जो है, क्योंकि संविधान जो है लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने मत का इस्तेमाल यानी कि अपने वोट के माध्यम से जो है वो सरकार, सशक्त सरकार देश को देने का काम करे, तो ऐसे में जो है सुबह से ही जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तमाम लोग जो है जो देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ना केवल वो लोग बल्कि हमने पहले भी राजीव वो तस्वीरें दिखाई कि तकरीबन जो है वो 100 साल से ज्यादा की बुजुर्गा यहां पर पहुंची थी, उनकी ओर से जो है वोट किया गया और बड़ा ही संदेश जो उनकी ओर से दिया गया कि सशक्त सरकार और विकास के लिए जो है वोट किया जाना चाहिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो भी पोलिंग स्टेशन पहुंचे और सुबह अपने मत का इस्तेमाल कर लोगों को भी ये अपील उनकी ओर से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बेहद ज्यादा जरूरी, सशक्त लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो आपका वोट होता है। और ऐसे में वोट के माध्यम से ही जो है वो आप सशक्त सरकार जो है वो देश को दे सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अंबाला के मॉडल टाउन से। जी तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। उनकी ओर से भी लोगों से यही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी, मेन या मुख्य चेहरे रहते हैं और लाजमी सी बात है कि खुद रिप्रेजेंट करते हो देश का, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के मतदान केंद्र पर पहुंचने से लोगों को एक संदेश जरूर मिलता है, क्योंकि जन भागीदारिता बेहद ज्यादा जरूरी है। ना केवल जन भागीदारिता बल्कि ऐसे समय में जब आपने ये देखा कि गर्मी जो है, बिल्कुल सही कहा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी ये बात कही गई कि गर्मी बेहद ज्यादा है, लेकिन इस समय इन तमाम चीजों को परे रखकर देश के लिए जो किया जा सकता है यानी कि अपना वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी मजबूती, और वो मजबूती या वो ताकत जिसके माध्यम से आप देश में जो है सशक्त सरकार बना सकते हैं, तो ऐसे में जनता को जो है वो निकलना चाहिए। और ये बड़ा संदेश आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा अपने सुपुत्र के साथ, एक संदेश अपने बेटे को भी देने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र में जो है वो ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझाने से ही वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक संदेश दिया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने सुपुत्र और सपरिवार जो है यहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो मुख्य चेहरे रहते हैं, जिस तरह से हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से वोटिंग की गई, इसके अलावा सीएम नायब सैनी जो कि कैंडिडेट भी है उनकी ओर से भी वोटिंग मतदान केंद्र पर वो पहुंचे थे, और ना केवल वो बल्कि देश के प्रमुख नेता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्व की खूबसूरती को दर्शाती हैं, क्योंकि ये दिन होता है कि जब जो ताकत है